आपका स्वागत है स्पोर्ट्स विद एजुकेशन अरविंद राय में, और आज हम 50 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले प्रैक्टिस सेट 4 के 75 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल, बेंजाइम अम्ल, पाइरूरिक अम्ल और यूरिक अम्ल। सही उत्तर बताइए। इसमें सही उत्तर होगा ए, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुयातात में प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाले व्याधि में दिया जाता है? लोह, विटामिन ए, फ्लोरीन या आयोडीन। इसका सही उत्तर होगा आयोडीन। ठीक, 78 चलते हैं। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं किससे? पेलाग्रा से, बेरीबेरी से, स्कर्वी से, ऑस्ट्रोमलेशिया से। 78 क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होगा बी, बेरीबेरी से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कथन एक कथन दो में ताना, ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी परेशान करेंगे आप लोगों को। कथन ए, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियों का खाना बंद कर दे तो उसे रोतौंधी हो जाएगी, कारण उससे विटामिन ए की कमी हो जाएगी। नीचे दिए कोड को सही उत्तर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए में ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, फिर बी है। ए तथा आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही उत्तर बताना आपको क्वेश्चन नंबर 79। इसका सही उत्तर होगा डी, सही उत्तर होगा डी। इसका क्या है, एक विटामिन ए के मुख्य स्रोतों में हरी सब्जियों का खाना बंद कर देते उसे विटामिन ए की कमी हो जाएगी, परंतु विटामिन ए की कमी से रोतौंधी नामक बीमारी होती है तथा हरी सब्जियों के अतिरिक्त विटामिन ए के अन्य स्रोत भी हैं। यह विकल्प डी सही है। ठीक है, इसका है कि अन्य विकल्प भी हैं इनके पास। ठीक है, 80वां क्वेश्चन चलते हैं। किसी शारीरिक प्रक्रम में थ्रॉम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन और वृद्धि। 80वां क्वेश्चन है ये, रक्त जमाव से। ठीक है, 81 चलते हैं। ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब हुआ? ओथ पूछ रहे हैं। 1912 स्टॉकहोम, 1920 एंटवर्प में, 1928 एस्डर में और 1936 बर्लिन में। 21वां क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा 21वां का बी, 1920। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? रग्बी, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल? बास्केटबॉल से। ठीक है, भारतीय फ्लाइंग सिंह कौन है? बरगट सिंह, मिल्खा सिंह, जगबीर सिंह या लखा सिंह? मिल्खा सिंह। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है आयोजकों को, खिलाड़ियों को, प्रशिक्षक को या अधिकारी को? प्रशिक्षक को। एम सी मैरी कॉम का संबंध किससे? बॉक्सिंग, तैराकी, हॉकी या जूडो? बॉक्सिंग से। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन। 86 क्वेश्चन, विटामिन ए का यहाँ। ठीक है, चलते हैं। मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरण में सर्वाधिक सुप्रभाव है? आंख, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े। 87 क्वेश्चन, ए आंख। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, रक्त में शक्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोनों का श्रवण करना है। गुर्दे पूछ रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर बताना 88 का क्वेश्चन का बी। आंख के रेटिना में परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म, लेंस, शटर या आवरण। 89 क्वेश्चन, फिल्म। ठीक, चलते हैं 90 क्वेश्चन, 90 पे। एड्स होता है जीवाणु, फफूंद, कृमि या विषाणु? 90 क्वेश्चन, डी, विषाणु। बीएमडी प्रशिक्षण किया जाता है, बीएमडी प्रशिक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए डेंगू, मलेरिया, ऑस्टियोपोरोसिस, एड्स को? बीएमडी।
BMD का मतलब मैं बताता हूँ क्या है, थोड़ा सा आपको गेस लग जाएगा, बोन मिनरल डिजीज, ठीक है, बोन मिनरल डिजीज, बोन मिनरल डिजीज कैनल क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा डी, जो बोन से तो हड्डी से संबंधित है, ठीक है। एमनिया सेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण में लिंग को, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, हार्मोन के प्रकार को। 92 क्वेश्चन ए, भ्रूण में लिंग को, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से स्कर्वी रोग इलाज में उपयोगी, आम, पपीता, आंवला, बेर। 93 क्वेश्चन सी, आंवला। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, विटामिन का, हार्मोन्स का, प्रोटीन का, एंजाइम्स का। 94 क्वेश्चन ए, ठीक है, 1911 ईस्वी में, ठीक है। सूची ए को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया, प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु, जीवाणु, इसका सही उत्तर होगा कूट है ABCD 1 2 3 4, 2 3 4 1, 3 4 1 2 4 3 2 1, सही उत्तर बताइए इसका। 95 क्वेश्चन डी, ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ आपको कैसे कैसे है, ये इन्होंने दिया है। प्लेग, जीवाणु, ठीक, एड्स, विषाणु, गंजापन, कवक, मलेरिया, प्रोटोजोआ, ठीक, ये है इसका। 96 चलते हैं, सूची एक को दो सूची से सुलमित कीजिए, सूचियों को दिए गए नीचे एक कूट को सही उत्तर दीजिए, ठीक है। वायु प्रदूषक है, प्रभावित अंग है, एस्बेस्टॉस, धूल, सीसा, पारा, कार्बन, मस्तिष्क, उदर, फेफड़ा, रक्त धाराएं और मोनोसाइड, ठीक है, इसका सही उत्तर बताना है। कूट ABCD दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग ये देख लीजिए, और इसका सही उत्तर होगा 96 का बी। मैं इसको मिला भी देता हूँ आप लोगों को, एब्सेंट धूल जो है ये आपको फेफड़े से संबंधित है, फेफड़ा, ठीक। सीसा आपके मस्तिष्क से है, पारा आपके उदर से है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपके रक्त धाराएं से, ये ठीक है। 97 चलते हैं, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शक्करा की, और जल की। 97 क्वेश्चन ए, प्लेटलेट्स की, ठीक है। MRI निम्न में से क्या है, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंस्टेटाइंस, इंटेस्टाइन, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंसेस्टिगेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इंस्टेटाइंस। 98 क्वेश्चन सी होगा, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ इमेजिंग, ठीक है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थिति अमीनो अम्ल टाइसोरिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से एक कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, इसका देखिए क्या है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों के कारण का सामना कर सकता, यह उदासी से लड़ सकता, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायित्व मुक्त मुल्कों में के विरुद्ध रक्षा करता है। 99 क्वेश्चन है ये, इसका सही उत्तर होगा डी, टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन एक गैर आवश्यक अमीनो अम्ल है। ये देखिए यहाँ टायरोसिन पूछ रहा था, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता हुआ है, मेरास्मस, पेलेग्रा, बेरी बेरी और रिकेट्स, 100वां क्वेश्चन है ये, ए, मेरास्मस, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।